रॉयल एनफील्ड एज यू कैन सी। एंड आज एक बहुत ही स्पेशल रीज़न है जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। टुडे इज 6th of November 2020 और आज मीटियोर 350 का लॉन्च है। गाड़ी अभी तक की अनवील नहीं हुई है, आई एम एट द शोरूम और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड। गाइज दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ द मीटियोर 350 2020। एक जो चीज़ सबसे पहले मैंने नोटिस करी है दैट इज़ कि यहाँ पे रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 का गियरबॉक्स है, बेसिकली GT 650 का गियरबॉक्स है, 650 ट्विन्स का गियरबॉक्स है। I wanna say something. Yeah. Let's go. Yeah. I don't know where she came from, but goddamn, I wanna say something. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah. It should be a goddamn crime to look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key. Or you could lock her up and give the key to me. Take it down low, drop it down to the ground floor, I just wanna go and explore, ooh baby I just want more, got a body like a rock star, yeah that shit is looking rock hard, yeah rock hard, I would put her on the roster, cause she keeps on getting hotter and hotter, ooh baby let's go, she doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे अमेज करा है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो लेट्स हैव अ लुक एट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नाउ। ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका एंड बहुत ज़्यादा ही कूल कर दिया है इसको। इसमें आप देख रहे हो स्पीडोमीटर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, क्लॉक है, ओडोमीटर है। अच्छा ये चेंज कर देती है। हाँ तो आई गेस 20 ट्रिप मीटर्स भी हैं यहाँ पे। ABS वार्निंग लाइट है, आपका लो फ्यूल गेज है एंड फ्यूल गेज भी है, प्रॉपर फ्यूल गेज है एज यू कैन सी हियर। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की क्वालिटी, अब इसके सामने कहाँ CB350 टिकेगी। अरे गजब, बिल्ट विद गूगल, ठीक है, गूगल मैप से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन लेगा, आपके एवरेज, आपका स्पीड, आपका पूरी ट्रिप की सारी डिटेल्स सब मिलेंगी। अच्छा एक और वीडियो मैं बनाऊंगा नवीन भाई के साथ, ये इंटरसेप्टर 650 ओनर है और मुझे एक वीडियो बनाना है कि व्हाट एन इंटरसेप्टर ओनर थिंक्स अबाउट द मीटियोर 350। स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब। लगी है वो है इसका स्टार्टर स्विच और इंटीग्रेटेड किल स्विच। अब देखो वो कैसा है, चेक दिस आउट। आई एम सो डैम एक्साइटेड, इतना क्रेविंग हो रही है अंदर से, मन कर रहा है कि अभी इसको क्रैंक कर दूं, बट मैं नहीं करूंगा ऑफ कोर्स। एक बार अच्छे से वॉक अराउंड दे देता हूं पूरा। यू कैन सी द अटेंशन टू डिटेल, ये डार्क ब्राउन मैट फिनिश में है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का एम्ब्लेम है क्रोम में, यहाँ पे क्रोम का यूज़ करा गया है। इंजन केसिंग जो है वो मैट है ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश के साथ और अगेन यहाँ पे पाउडर कोटिंग सॉर्ट ऑफ, बहुत सही लग रहा है इंटरसेप्टर का गियरबॉक्स है। मेरे हिसाब से जो मैं इस बाइक को देख के ऑब्जर्व किया है मैंने, वो ये है कि शेयर क्वालिटी है। सुनो, दिस इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट, दिस डजंट लुक्स लाइक एन एनफील्ड, मतलब ऐसा लगता है कि कोई प्रीमियम व्हीकल है। उसके मीटर्स देखे, TFT स्क्रीन देखिए, डिजिटल डाइज देखिए, तो अलॉय व्हील्स, टेल लाइट्स, एवरीथिंग स्पीक्स क्वालिटी। मतलब मेरे हिसाब से चीज़ों के लिए
वेरिएंट यू चूज प्राइस जो है वो डिफर करने वाला है और अभी भी 10,000 रुपये सस्ती है ये सीबी हाईवेस 350 से। ओके सो राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन द मीटियोर 350 और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सीट हाइट काफ़ी लो है और काफ़ी राइडेबल होने वाली, काफ़ी ड्राइवेबल होने वाली सिटी में, क्योंकि मैं अभी डबल स्टैंड में बैठा हूँ, मेरे दोनों पैर आराम से नीचे पहुँच। तो शॉर्ट हाइट वालों के लिए दिस इज गोना बी इजी। और ये चीज़ ने तो यार मेरा दिल ले लिया। चीज़ जो मुझे पॉइंट आउट करनी थी, 300 mm फ्रंट डिस्क, चलो ठीक है ये तो नॉर्मल है, 270 mm रियर डिस्क 80 है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। टैंक की कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और ऑफ कोर्स आरी का डीलरशिप नेटवर्क तो स्ट्रॉन्ग है ही, उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ है और मतलब मुझे ओवरऑल गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। डिजिटल स्पीडोमीटर है, कैम सेटअप यूज़ करा है, मतलब ओवरऑल काफ़ी इम्प्रूव कर दी है। आई एम रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट एंड लेट्स सी कि इस इंजन पे बेस्ड अभी फ्यूचर में कौन कौन सी बाइक्स आ रही हैं। तो फिंगर्स क्रॉस्ड बट रियली इम्प्रेस्ड और यार कम्प्लीटली लुक एंड फील काफ़ी ज़्यादा स्टेप अप हो गया है मीटियोर की वजह से। ये वाला जो मॉडल है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा थंडरबर्ड एक्स की तरह लग रहा है जो ये कलर है, बट पर्सनल फेवरेट मेरा है वो वाला। दिस इज इट फॉर द वीडियो और ज़्यादा मुझे स्ट्रेच नहीं करना है, एक बार रफ करके भी सुना दूंगा, एग्जॉस्ट नोट वैसे तो आपने सुनी लिया होगा। सो फॉर नाउ दिस इज इट, दिस इज द मीटियोर 350 एंड आई एम अली किदवाई, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। और हाँ, व्हाट एन इंटरसेप्टर ओनर थिंक्स अबाउट द मीटियोर 350, ये वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। ओके बाय बाय।